सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय को लेकर आपके बीच में हैं, लेकिन आज हमारे बातचीत के केंद्र में रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। आज हम अपने पड़ोसी मुल्क अर्थात पाकिस्तान के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर रहे इमरान खान ने एक लंबे संघर्ष के बाद सफलता हासिल की थी और वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तकरीबन 3.5-4 साल का कार्यकाल उनका बतौर प्रधानमंत्री पूरा हो चुका है, लेकिन इस समय वो खासे मुश्किलात में हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है नेशनल असेंबली में, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं है। कई दलों के समर्थन के साथ वह अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान की बदहाल स्थिति का दावा करते हुए तमाम विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है। सत्र 25 मार्च को है, 28 मार्च तक वोटिंग होने संभावित है, और इन सब के बीच में स्वयं इमरान की पार्टी में ही तमाम सांसद बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लोगों को जानने में दिलचस्पी है कि क्रिकेट का यह मशहूर खिलाड़ी क्या यहाँ पर क्लीन बोल्ड तो नहीं हो जाएगा। सेना के स्तर पर भी उनके अलगाव की खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि कल जब इमरान खान एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने भारत के संदर्भ में कसीदे पड़े। उन्होंने बताया कि भारत को देखिए कितना दमदार मुल्क है, कैसी दमदार उसकी विदेश नीति है। वह अपने लोगों के हिसाब से फैसले लेता है, अपने अनुसार फैसले ले रहा है। अमेरिका के साथ में वो क्वाड में हिस्सेदारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ में तेल भी खरीद रहा है। ये बड़ा अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए है कि जब जब पाकिस्तान में संकट आता है तो भारत को दुश्मन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ के नेताओं के द्वारा, और भारत में जब कभी सत्ताधीशों के पाए लड़खड़ाने लगते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर देश में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये उल्ट बांसी कैसे बजी? जहां इमरान खान इतने बड़े संकट में है वहां भारत की सराहना समझना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान के हालात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ भारत की सराहना के जो बोल इमरान खान के मुँह से निकले हैं उसके कारण की भी पड़ताल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कुछ दिलचस्प तथ्य इस दौरान हमारे बीच में निकल कर आएंगे, लेकिन सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि एडवाइस इज सेल्डम वेलकम एंड दोज हु वांट इट द मोस्ट ऑलवेज लाइक इट द लीस्ट, अर्थात परामर्श का शायद ही कभी स्वागत होता है और जिन्हें उसकी अधिकतम आवश्यकता है वे ही उसे सदैव न्यूनतम पसंद करते हैं। लॉर्ड चेस्टरफील्ड के द्वारा यह विचार दिया गया था। इस समय इमरान खान को भी तमाम लोग नसीहत दे रहे हैं जिसमें वहां के सेना प्रमुख भी शामिल हैं, लेकिन क्या इमरान खान को वो सलाह पसंद आ रही है और क्या वाकई वो जरूरत महसूस कर रहे हैं? इसे हम अपने जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, विदेश नीति को बहुत नजदीकी से उन्होंने जिया है। हमारे साथ में रोविंदर सचदेव जी हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ साथ पाकिस्तान से हमारे साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और निष्पक्ष राय देने का अनुभव अब तक उनके साथ हमने विभिन्न कार्यक्रमों में महसूस किया है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान जिसकी बुनियाद आज इस कार्यक्रम का कारण है। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो, साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो ये तेवर है इमरान खान का, क्यों है, क्या हालात है वहां के, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सीधे शहजाद अनवर फारूकी साहब के पास चलते हैं। शहजाद साहब, आपको भी कुछ आश्चर्य है क्या? अब तक हम लोगों का अनुभव यह रहा है कि जिस देश के अंतर्गत सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग थोड़े भी लड़खड़ाते हैं वह पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में कुछ नकारात्मक बात करते हैं। ऐसा खबरें तमाम स्तर पर आ रही हैं कि इमरान खान वाकई बड़ी मुश्किल में है, पर भारत की सराहना। तो दोनों चीज़ें आपसे समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या वाकई इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार खतरे में है, और दूसरा भारत की सराहना इस मौके पर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं?
मेरा स्पीकर जो है वो शायद ऑन नहीं हो पा रहा था। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा बड़े ही तहम्मल और तरीके से जिस तरह से आप अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और इसीलिए आपके प्रोग्राम में आना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए इज्जत की बात है। तमाम दोस्तों को जो प्रोग्राम में मौजूद है उन सबको आदाब और सलाम और नमस्ते। अच्छा, ये कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ना जी, कि ये क्यों कहा इमरान खान ने, तो वो बेसिकली गालबन इंडिया के आप इस तनाजर में इसको ना देखें, इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी के हवाले से एक तासर हमेशा से ये रहा है कि शायद ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तय करती है खारजा पॉलिसी को, और सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसका इनपुट जरूर लिया जाता है या उनकी उनके मशावरत से बनती जरूर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा से नहीं होती जी। ये एक तरह से उन्होंने माजी की हुकूमतों को एक तरह से अपनी तरफ से तनकीद का निशाना बनाया है। उनका मानना ये है कि अगर मतलब ये तो 1947 से बात अगर ऑनवर्ड हम करें तो ये बात समझ में भी आती है जी, कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका का दौरा चूज किया तो इंडिया ने उस वक्त सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव किया जी। आप लोगों ने सोवियत यूनियन के साथ रहने के जितने फायदे थे वो सारे लिए जी। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो आप लोग अमेरिका के हलीफ बन गए और अब अमेरिका की गुड बुक्स में है। ऑल्दो अभी रूस और यूक्रेन के इशू पे आपने रूस की मजम्मत नहीं की, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन कि अगर आप अपने लोगों के मुफाद में एक अच्छा फैसला लेते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और आपकी आवाम को उसका फायदा मिलता है, और इसका क्रेडिट अगर इमरान खान आपको देते हैं तो वो इस बात असल में उसकी जो उसकी नफ्सियात को अगर हम समझना चाहें तो वो इस तरह से अंडर प्रेशर नहीं होता कि वो मुश्किल में है शायद वो चला जाएगा, उसके अपने वजीर जो है उनको लगता है कि शायद वो चला जाएगा, लेकिन वो उसके नर्व्स की बात अगर हम करें तो वो और तरह से चीजों को असेस करता है और तरह से रिएक्ट करता है माफ कीजिएगा जी। सो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत की अमूमी यानी किसी सरकार की नहीं जी, किसी एक खास हुकूमत की वो खारजा पॉलिसी को नहीं सराह रहे, बल्कि वो अमूमी जो आपने एक चलन अपनाया अपनी खारजा पॉलिसी में वो उसको सराह रहे हैं कि इस तरह से बनाई जाती है खारजा पॉलिसी और इस तरह से उसके सम्राट जो हैं वो अपने मुल्क में रहने वाले हर आदमी के सामने या उस तक पहुंचाए जाते हैं जी। देखिए, मैं जो दूसरी बात समझना चाहता हूँ, ये खबरें जो लगातार रह रही कि इमरान खान वाकई मुश्किल में है, अल्पमत की सरकार उनके पास थी, अपनी पार्टी के स्तर में बात करें कुल 155 सांसद उनके अपने जीते हुए हैं, बाकी लोगों का समर्थन था, अपने ही उनसे बिछड़ रहे हैं, कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बड़ी चुनौती बताई जा रही है। दूसरी खबर ये भी भारत में पसरी हुई है फारूकी साहब कि सेना भी जो है अब इमरान खान से हाथ खींच रही है, थोड़ा आपसे वास्तविकता का हम लोग एहसास ले पाएं कि है क्या वहां पर, क्या वाकई इमरान खान मुश्किल में है, ये एक तमाशा है खत्म हो जाएगा? अच्छा देखिए, जो इमरान खान मुश्किल में है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, जब आपके अपने आपकी टिकट पर जो लोग मुंतखब हुए हैं अगर वो आपसे नाराज हैं और मुनहरफ होके दूसरी साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अब गेम जो है वो कोर्ट्स के हाथ में चली गई है और टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बजाहिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आता जी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की और जिस तरह का माहौल चल रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो जो लोग इनके अपने नाराज होके गए हैं वो शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अलबत्ता जो कोएलिशन पार्टनर है इनके उनका इंटैक्ट रहना जरूरी है। अब चूंकि अपोजिशन ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की है तो उन्होंने 172 का जो मैजिकल फिगर है वो लाना है, उन्होंने पेश करना है वहां पे जी। और जो 172 का नंबर है वो इमरान खान के आप जितने भी मर्जी आप अरकान तोड़ लें, अगर स्पीकर की रूलिंग ये आती है कि आप चूंकि हमारे आईन के आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी तीन जगहों पे जो रुकने कौमी असेंबली है उसको अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करनी होती है, एक तो अमूमी जो अदायात है, नंबर दो जो बजट का मामला है उस पर, और जो तहरीके अदम एतमाद हो अगर तो उसमें आप मुखालिफ साइड पे वोट नहीं कर सकते, और अगर आप वोट करेंगे तो आप नाअहल हो जाएंगे जी। अच्छा, अब इस पे मुझे लगता ये है कि जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो ये है कि अगर इनके अपने अराकीन जिस दिन अगर ईवान में खड़े होकर वोट करना चाहेंगे तो उनको चैलेंज किया जाएगा, वोट को चैलेंज करने का एक आईन में तरीकाकार मौजूद है, और जब स्पीकर उस पर कोई रूलिंग दे देगा कि हाँ जी ये गिनती में शामिल नहीं हो सकते
तो उसके बाद शायद उन अरकान के वोट का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके नंबर कम हो रहे होंगे। इन्होंने तो अभी शो नहीं करना कि भी मुझे एतमाद हासिल है या नहीं है, अभी तो सवाल अदम एतमाद का है, तो उन्होंने पूरे करने हैं। हाँ, अलबत्ता जो चार जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, GDA जो के ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध का, और MQM जो के सिंध की जमात है, ये चार जमातें हैं जिनके पास 17 वोट है। ये 17 वोट इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये 17 वोट जो है वो जिस तरफ जाएंगे, इस मोशन का फैसला उस तरफ हो जाएगा। अब जो एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या नहीं है, ये जो चार जमातें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये बुनियादी तौर पर हमेशा से ये देखती रही हैं, ये इशारे की मुंतजर रही हैं कि किस तरफ से सीटी बजे, उनको कहीं से इशारा आए कि उन्होंने किधर जाना है, क्योंकि नॉर्मली ये इक्तदार में रहना पसंद करती हैं ये सारी पार्टियां। तो जब इनको, अगर ये अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब यही है जो आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने सर से हाथ उठा लिया, लेकिन अभी तक इन चार जमातों ने वाजह तौर पर कोई स्टांस लिया नहीं है। और कोई भी जमात जो है वो खुलकर ये नहीं कह रही कि हम इमरान खान के साथ नहीं है, बल्कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कुछ मुतालबात आगे रख रहे हैं। कोई कहता है हमें ये CMship दे दें इस सूबे की, कोई कहता है हमारे साथ अगले इलेक्शन का ये जोड़ तोड़ कर ले। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान और इंडिया जैसे माहौल में कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो हमारे जो ये जो मुंतखब अरकान असेंबली हैं, ये और तरह से सोचते हैं, ये मुल्की मुफाद को पीछे रख देते हैं, या कम अज कम इखलाकियात, ये जो असल पॉइंट है या असल मुद्दा है मेरे नजदीक, कि हमारी सियासत में इखलाकियात का अमल दखल नहीं है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, चूंकि सियासत का बुनियादी मकसद था आम आदमी की, आम लोगों की खिदमत करना, आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। लेकिन जब मैं और आप या कोई भी बंदा अपने मुफाद को ऊपर रखेगा और आवाम की मुफाद को नीचे रखेगा, तो बहुत सारी चीजें सफर करेंगी, और उसी के नतीजा है कि हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में बिलखसूस जो अदम इस्तेहकाम पाया जाता है पोलिटिकली, उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको ज्यादा फोकियत दी है नेशनल इंटरेस्ट पर। इस बात का दुख जता रहे हैं फारूकी साहब कि राष्ट्रीय हित के मुकाबले निजी हितों को तरजीह देने का चलन पाकिस्तान में भी है, और ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में इमरान खान मुश्किल में इतना तो जरूर है, पर इमरान खान चले ही जाएंगे इसके संदर्भ में अभी भी फारूकी साहब को संशय है। मेरे साथ में मंजू सेठ जी भी हैं और रविंद्र सचदेव हैं, जिनसे मैं विदेश मामलों पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन रामविलास शर्मा जी की पहले प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं रामविलास शर्मा जी, इमरान खान ने सराहना की है भारत की। फारूकी साहब का कहना था कि कोई आज की सरकार की नहीं है, हमेशा से भारत की नीति रही है, पर क्या रामविलास शर्मा जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या मानते हैं कि जो कुछ भी ये 8 साल का ही है, पहले में ऐसा नहीं था? देखिए हिमांशु जी, जो फारूकी साहब ने जो बात कही है जी, वो उन्होंने बहुत एक साफ सुथरी बात कही है। वो पाकिस्तान के हालात को बहुत गहराई से जानते हैं जी। हिमांशु जी, आज नरेंद्र भाई मोदी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इनका पूरी दुनिया में इनके बराबर का नेता नहीं है जी। अभी बमबारी हो रही थी यूक्रेन जी, और बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पुतिन से बात किया कि मेरे 23,000 बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, कीव में, खार्किव में, आप बमबारी रोकिए। हिमांशु जी, आपके चैनल ने इस बात को उन बच्चों के चेहरे दिखाए जी। और हम मानवतावादी हैं जी। जो हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है जी, वो मानवतावादी है, और इमरान खान के मुंह से कोई अनायास नहीं निकला जी। नरेंद्र मोदी का सारा जीवन देखें, वी बिलीव जी, कंट्री फर्स्ट जी, पार्टी सेकंड जी, पर्सन थर्ड जी, और लास्ट में व्यक्ति आता जी। तो इस फिलोसॉफी पर हम चलने वाले लोग, और हमारा ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, इमरान खान ने भी देखिए, जब किसी में भूतनी आती है ना हिमांशु द्विवेदी, आप उस आदमी के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं जी। नरेंद्र भाई मोदी संकट मोचक है जी। और हो सकता है नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ करने से इमरान खान की जान बच जाए पाकिस्तान में,
एक अलग ही एंगल दिया रामविलास शर्मा जी ने, संकट मोचन साबित हो सकते हैं इमरान खान के लिए नरेंद्र मोदी। इमरान खान नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपने मुल्क को बताएं कि एक वहां के प्रधानमंत्री के साथ लोग खड़े हैं और एक अपने देश में क्या हो रहा है, क्या वाकई ऐसा है? इसके लिए हम फारूकी साहब के पास जाएंगे, लेकिन अभी मैं मंजू सेठ जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं इस विषय को। क्या आप कोई बदलाव महसूस कर रही हैं मंजू जी? पिछले 70-75 साल का भारत और पाकिस्तान का इतिहास ये है कि जब भी इस देश की हुकूमत कोई परेशानी महसूस करती है तो अपने पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में थोड़ा सा डर दिखाती है, वहाँ की हुकूमत के संदर्भ में वहाँ की आलोचना करती है, वहाँ के संदर्भ में नकारात्मक बात करती है। ये अनुभव कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो पहला है जब पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई प्रधानमंत्री भारत के संदर्भ में इतनी सकारात्मक बात, और वो भी सार्वजनिक रूप से खुले तौर पर कह रहा है। थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, ये अनायास आपको लगता है या कोई बड़ा कारण इसके पीछे आपको दिखता है? मांचू जी, मुझे तो ये लगता है कि ये अपना उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत ही नाजुक है जी। तो अपने तरफ से वो अपना डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना ही शुरू से पाकिस्तान के बनने से ही जो प्रीवियस लीडर्स हैं, इनडायरेक्टली आई थिंक द मिलिट्री ऑल्सो इज सेंडिंग अ मैसेज सेइंग कि हम पॉलिसी जितनी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो फॉलो हुई है इतने सालों से, हमारे जो दूसरे लोग हैं, देखो इंडिया को देखो कैसे शुरू से उनकी अच्छी पॉलिसी रही है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, लोगों के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में रही है, और हमारी देखिए पॉलिसी कैसी रही है। तो इनडायरेक्टली वो जो मुझे लग रहा है कि अपने जो प्रीडेसेसर्स हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, और इनडायरेक्टली टू द मिलिट्री ऑल्सो, कि ये पॉलिसी जो हम फॉलो करते हैं वो हम देश हित में नहीं है। और जो उनकी जो इस वक्त जो उनकी, और जैसे आपने कहा ये बदला हुआ है, बिल्कुल माहौल बदला हुआ है, इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान जो बात कर रहा है, उनका बहुत सब चारों तरफ से मुश्किलें उनकी बढ़ी हुई हैं, वेस्ट से भी थोड़ा सा सपोर्ट उनका कम हुआ है, और जीडीपी और उनका जो ग्रोथ है बिल्कुल प्रॉब्लम में है, पैसे की दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने फोकस नहीं किया अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग पे, मुझे लगता है इतने सालों से अगर वो उस पे फोकस करते अपने सॉर्ट ऑफ डेवलपिंग अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, और फॉरेन पॉलिसी की तरफ भी कि थोड़ा सा और हम लोग अपने अपने देश को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, मे भी ये स्थिति जो आज है नहीं आती। और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल बन गया है पार्लियामेंट में, वो कह रहे कि शायद इमरान खान जाएंगे, कि वहां पे नॉर्मली देखा गया है कि आर्मी की सपोर्ट अगर है तो ही वहां पे गवर्नमेंट को, तो उसके अगर उसको मद्देनजर रखें तो लगता नहीं कि इमरान खान इसके ओआईसी मीटिंग के बाद शायद बरकरार रहे, पर कह नहीं सकते, इट इज ऑल वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पर मंजू जी को भी लग रहा है कि मामला खतरनाक तो है, आर्मी के सपोर्ट पे सारी बात है, लेकिन मेरे साथ में रविंदर सचदेव जी हैं जो बड़ी नज़दीकी से विदेशी जो मुल्क हैं उनकी राजनीति पर निगाह रखते हैं। रविंदर जी, आपसे दो तीन बातें समझना चाहता हूँ। इमरान खान इस पद पर अनायास नहीं पहुँच गए थे, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खेल छोड़ा, राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बन गए। बहुत संघर्षपूर्ण रहा उनका सफ़र, काफ़ी मुश्किल का सामना किया और खरी खरी बात उन्होंने की। जैसे विदेश नीति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि आज उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन वो 2006-07 में परवेज मुशर्रफ को भी बड़ा आक्रामक बोलते थे कि हमारे को जो है जॉर्ज बुश की गोद में बैठने वाला पालतू कुत्ता नहीं चाहिए, इस तरीके की भी आक्रामक बातचीत उनकी थी। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि पिछले 3.5 साल में क्या इमरान खान व्यवहार में वो कुछ कर पाए जो विपक्ष की राजनीति के अंदर वो बोला करते थे, जो उम्मीदें उन्होंने जगाई थी, और अगर कर पाए हैं तो देश में उनके खिलाफ इतना वातावरण क्यों दिख रहा है? Great question and exactly that. देखिए इमरान खान जहाँ आज की तारीख में हैं, जी, ये क्यों है जी, ये क्यों फेल हो रहे हैं जी? इमरान खान जो संघर्ष करते हैं तभी एक अलग टाइप के रेवोल्यूशनरी लीडर दिखते हैं मेरे को, जो पैशनेट, इंटेंस और बड़ी यू नो मच्योर सी कहिए या वाइज बातें करते हैं जब संघर्ष करते हैं, राइट जी। बट इन पावर ही हैज फेल्ड एज अ गवर्नमेंट सीईओ मानो, राइट जी। एक दूसरी बात, आर्मी जो कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान में आर्मी का सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा, तो अगर आर्मी इनसे दुखी है तो क्यों दुखी है जी? या ये नॉन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी नहीं चला पा रहे, देश की फॉरेन पॉलिसी या जो भी कहीं नहीं चला पा रहे, राइट, महंगाइयां करवा पा रहे, या तो नॉन परफॉर्मेंस है या है नॉन ओबीडियंस, भाई आर्मी जो इनसे होती है करो ये वो कर नहीं रहे, तो यही तो दो कारण होंगे अगर आर्मी इनसे दुखी है, दैट्स वन। सेकेंड इज द आवाम,
विल कम टू द अवाम इन अ मिनट, राइट। तो इमरान खान अभी जो ये बात चल पचा, अब फिर अगेन पॉइंट है कि हमारे लिए और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, जो भी होगा आज के 15 दिन बाद, महीने बाद कोई सरकार बनेगी, कोएलिशन बनेगी, इलेक्शन होगी, पाकिस्तान में इसी तरह का रवैया चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मौका है, अगर पाकिस्तान में कोई बदलाव आए, मानो इमरान खान रिबेल कर जाए मिलिट्री के अगेंस्ट, जैसे वो कह रहा है कि मिलिट्री को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट चलाऊंगा, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट अदरवाइज पाकिस्तान एक अपनी इकोनॉमिक डाउन टर्न में चले जा रहा है, अफगानिस्तान को हम सब लोग भूल गए हैं, यूक्रेन वॉर के चलते पूरी दुनिया भूल गई है, तो इलाका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए। नाउ बट कमिंग टू आप जो पॉइंट कह रहे हैं, इनकी आज जो स्टेटमेंट है कि इंडिया को लेकर, मेरे को इसमें 2 या 3 चीजें दिखती है। एक तो डेफिनेटली यही बात जो मेरे से पहले पैनलिस्ट कह चुके हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मिलिट्री ने मेरे को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाने दी, शायद वो ये कह रहे हैं, राइट। तो वैसे में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाते तो क्या करते ये, वी डोंट नो, ही शुड से दैट ना, कि इंडिया इंडिपेंडेंट चला रही है, हम नहीं चला पाए, आप नहीं चला पाए तो मान लिया, पर आप कौन सी पॉलिसी थी जो आप इंडिपेंडेंट चलाना चाहते थे जो आप नहीं चला पाए, राइट। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया को दिखा के, एंड इसमें मुझे ओवरऑल पाकिस्तान की सेंटिमेंट दिखती है, नॉट ओनली इमरान खान, देखिए इंडिया एक स्ट्रॉन्गर कंट्री है, बेटर इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं, इंडिया को रिकग्निशन मिलती है वर्ल्ड में, ऑफकोर्स हमारा साइज और मार्केट को लेके, हमारे इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो इन सब चीजों को लेकर के इंडिया को लेकर पाकिस्तान में मे बी आप जैसे कहे एनवी या जलन या उस तरह कुछ मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली या था, बट शायद अब ये मेन स्ट्रीम में थोड़ा रिस्पेक्ट की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है कि भाई अच्छा देखिए इंडिया ऐसे कर गया, राइट। तो इमरान खान मेरे ख्याल से इनकी जो स्टेटमेंट है ये कुछ हद तक वो सेंटिमेंट अंडरलाइन जो पाकिस्तानी सोसाइटी में मैं अज्यूम करता हूँ आई थिंक सो कुछ है जो कि इंडिया की तरफ देखते कि इंडिया अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए अपनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी कुछ, तो ये एनवी इंडिकेट करता है। तो इसमें वन लास्ट थिंग, इसमें इंडिया के पास फिर अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है ना, मे बी अगर पाकिस्तान का कहीं पब्लिक ओपिनियन थोड़ा यू नो इंडिया को दूसरी नजर से देखने लगा है तो ये हमारे लिए एक ओपनिंग है हमारे दोनों देशों के लिए टू इम्प्रूव अवर रिलेशन। तो क्या आप मानते हैं रविंद्र जी कि अगर इसी विचार को और विस्तार दिया जाए तो दोनों देशों के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि अतीत में तो ये होता था कि जैसे ही खतरा आया तो दूसरे देश को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करो, ये पहली बार स्टेटमेंट है जिसमें दूसरे देश को आप नायक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए वो कितना बेहतर कर रहा है, हम उसके मुकाबले कहाँ हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान जिस बदलाव की बात करके सत्ता में आए थे अब सही ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं? Actually, pretty right. Maybe, शायद, याद है जब सत्ता में आए थे इन्होंने क्या कहा था कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, राइट जी, और मेरा नंबर वन एनिमी होगा पावर्टी, आई थिंक उन्होंने शायद ये कहा था, नंबर वन एनिमी पावर्टी, राइट, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो शायद तभी तो मैं कह रहा ना इमरान खान संघर्षकर्ता रेवोल्यूशनरी फॉर्म में जब होते हैं तब इनका एक अलग शायद यू नो सारा कुछ होता है, बट जब ये पावर में अगर आ गए थे, अब बात ये कि शायद ये कह रहे हैं कि 3.5 साल में जो करा मैं नहीं कर पाया ज्यादा, क्योंकि मेरे को पीछे से जो बोला जा रहा था मैं अपना नहीं कर पाया, तो अगर ये वो गेम खेलना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान आई विल से, क्योंकि फिर ये क्या करेगा, पाकिस्तान में जो अज्यूम करा जाता है एटलीस्ट हमारे से या दुनिया भर में कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ये पपेट्स होते हैं और डेमोक्रेसी ठीक से स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, शायद पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होगा अगर ये बात आगे बढ़ती है, ये कहना है रविंदर जी का। मैं वापस जाना चाहता हूँ फारूकी साहब के पास में, लेकिन बीच में हस्तक्षेप लेता हूँ रामविलास शर्मा जी का जो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर फारूकी साहब के पास आता हूँ इसी बात को विस्तार देने के लिए। जी रामविलास जी। हिमांशु जी, मैं सचदेवा जी की बात से इत्तफाक नहीं, उन्होंने अभी एक शब्द का कि भारत एक चालाक देश है, इंडिया है नेवर बीन ए चालाक कंट्री, इट इज ए ग्रेट कंट्री, हिंदुस्तान नहीं, मेरे ख्याल से आप कहीं समझने में चूक गए, एक सही फैसले लेने वाले देश के रूप में बात कहा है, चालाक देश के संदर्भ में रविंद्र जी क्यों कहेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझने में कंफ्यूजन हुआ, शायद रविंद्र जी कुछ कह रहे चाह रहे हैं। जी रविंद्र, चालाक शब्द है, चालाक शब्द यूज ही नहीं था जी, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत को रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ, इंडिया स्मार्ट देश, मेरे ख्याल से स्मार्ट को अब स्मार्ट के लिए चतुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि एक चतुराई पूर्ण फैसले लेने वाला देश, तो कुल मिला के ये नजरिया। लेकिन मैं फारूकी साहब के पास आना चाहता हूँ, शेर साहब आपसे समझना चाहता हूँ,
3.5 साल जो इमरान खान को मिले बतौर प्रधानमंत्री, जो उम्मीदें उन्होंने जगाई थी अपने 20 साल के संघर्ष के माध्यम से, बहुत उतार चढ़ाव उनके राजनीतिक जीवन में रहे फिर इस मुकाम पे पहुंचे, क्या महसूस करता है पाकिस्तान? वो उन उम्मीदों को कितना पूरा कर पाए या उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितना ईमानदारी से प्रयास कर पाए? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस पे आपका। अच्छा मसला ये है कि जब ये सत्ता में आए तो आपको याद होगा कि उसके फौरन बाद ही कुछ महीनों के बाद कोरोना आ गया जी, और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट हुई जी, और कोरोना का इतना ज्यादा इफेक्ट था, और आपको याद है जब पहली वेव आई 2019 मार्च वाली, जब तो दुनिया में लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे जी। तो इमरान खान ने उस पे लॉकडाउन उस तरह से नहीं किया जिस तरह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहे थे, और उसकी वजह से मैं महसूस करता हूं कि लोगों को जिंदगी का और जानो जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने में बड़ी मदद मिली। और यही वजह है कि जब दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.9 से नीचे या इसके आसपास होगा, जब हम 3 के फिगर को छू पाए तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अचंभे की बात थी, एक हैरत की बात थी जी। अच्छा अब ये जो कोरोना के 2-2.5 साल हैं, ये आप समझिए कि इसका मतलब ये है कि वो तो अपनी असल स्ट्रेंथ पे खेल ही नहीं पाए कभी, क्योंकि इकोनॉमी को इतने ज्यादा चैलेंजेस दरपेश थे कि आप सिर्फ कोरोना से निमटने में और सिर्फ लोगों को राशन या उनकी इमदाद करने के हवाले से या उनको काम दिलाने के हवाले से आप कुछ ना कुछ करते रहने पर मजबूर थे। उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी किए, जो पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई, उन्होंने एहसास के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, गो के ये प्रोग्राम पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था 2008 से 13 के दरमियान में कहीं, उसका नाम उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके और उसको जरा बड़ा करके उसमें तकरीबन 2 करोड़ फैमिलीज को लाया जा रहा है, जहां पे जो गरीब फैमिलीज हैं उनको नकद माली इमदाद दी जाती है, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम जी। दूसरी तरफ जब वैक्सीनेशन दुनिया भर में पैसों के साथ बहुत महंगी लग रही थी, मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने दुनिया भर से चाहे भीख मांगी, और उनको ये मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से डोनेशन के लिए भाग दौड़ करते हैं वो लोग इनको यहाँ पर उन पे तंज भी करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने इस बात को कभी अपनी इज्जत का मसला नहीं बनाया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की ऐसी ड्राइव चलाई है कि अब हमने अपने यहाँ से वो तमाम जो पाबंदियां हैं वो हमने खत्म कर दी हैं, और जब दुनिया में बहुत भारी पैसे लेके वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, यहाँ पे आप सिर्फ एक मैसेज करते थे और आपको वैक्सीनेशन मिल जाती थी, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अरबों रुपए की वैक्सीनेशन उस बंदे ने लगवाई इस मुल्क के लोगों। अच्छा अब जब थोड़ा सा इकॉनमी का मुंह सर सीधा हुआ है तो उसने खारजा पॉलिसी में, और ये मैं समझता हूं कि ये खारजा पॉलिसी का जो टिल्ट है इसमें इमरान खान खाली ये फैसला नहीं कर सकता, इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो इक्तदार के बाकी खिलाड़ी हैं वो सब ऑन बोर्ड थे कि अब आपको अमरीका की तरफ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के नहीं रखनी, बल्कि हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस कराया जिसको लुक ईस्ट के नाम से पुकारा जाता है कि मशरक का जमाना आ रहा है, तो मशरक के ममालिक मिलके इस ब्लॉक में यहाँ कहीं कोई तामीर तरक्की का और लोगों की जिंदगी आसान करने का कोई बड़ा काम करे। इसीलिए वो जो रशिया और चाइना और यो इस खत्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी जानब मामलात को बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ जी। इमरान खान के जो अमूमी जो बड़े सपोर्टर थे वो मायूस थे अभी कोई महीना 20 दिन 15 दिन पहले तक, और लोग बरमला ये कहते थे कि जी इमरान खान ने हमसे वादा किया था नौकरियों का तो नौकरियां नहीं मिल पाई, फलां वादा किया था तो वो नहीं हुआ, महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लोगों के लिए जीना अजीरन हो गया है। अच्छा अब ये सारी क्रिटिसिज्म उस पर आ रही थी और वो जो पैसों की जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए, IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए, बिजली भी महंगी हुई, गैस भी, वो जिस तरह से तरक्की पजीर ममालिक में होता है वो हुआ। अच्छा एक सर्टन पॉइंट पे आके इमरान खान ने ये लास्ट मंथ फैसला किया, गालबन इस बात को महीना डेढ़ हुआ है कि उसने बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और कैप कर दी। उसने कहा कि बाकी दुनिया में जो मर्जी हो मैं ये यहां से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जो पेट्रोल की कीमत है और बिजली की कीमत में 5 रुपए मैं कम कर रहा हूं और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कम कर रहा हूं, और ये इस खास सतह से आगे नहीं जाएगी,
अंटिल फर्दर ऑर्डर। अच्छा, उससे उसका थोड़ा सा इमेज बेहतर हुआ क्योंकि लोग वाकई बहुत मुश्किल में थे। लेकिन जो अजीब बात है, जो दिलचस्प फैक्टर है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जब तहरीके अदम एतमाद आई, नो कॉन्फिडेंस मूव आई, तो उसके बाद जब लोगों को ये लगा, अच्छा ये बड़े सगीर के लोगों का एक एक प्रॉब्लम है कि वो कमजोर, जिसको समझते हैं ना कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है, कमजोर है, वो फिल्में देख के हम बड़े इमोशनल होते हैं हमेशा से, हमें एक हीरो की तलाश रहती है, तो जब लगता है कि एक आदमी कोई कमजोर है, पिट रहा है, तो हम सारे लोग लाशौरी तौर पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब लोगों को लगता ये है कि ये इमरान खान के साथ तो कोई हाथ हो रहा है, ये तो वाकई वो सही कहता था कि जी वो मुझे, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, तो उसके बाद अमेरिका उसके पीछे पड़ गया, फिर उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो यूएन में तकरीर की और यूएन में एक करारदाद मंजूर हुई 15 मार्च, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे मजहबी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसको बहुत बड़ा क्रेडिट समझते हैं इमरान खान का, कि ये वो मसला था जो ब्लास्फेमी का और वो जो इस्लामोफोबिया का ये बड़ा मसला था जिसके ऊपर इमरान खान ने आवाज उठाई, और ये मॉडर्न दुनिया जो कि मगरब है या अमरीका है, उनको कन्विंस किया कि आजादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों की दिल आजारी नहीं की जा सकती, ये उनके मजहबी अकायद का मामला है। अच्छा, अब एक नई किस्म के लोग जो हैं वो मुझे फिर मिल रहे हैं, और मैं देख रहा हूं चूंकि सोशल मीडिया का असर है, तो सोशल मीडिया ने एक तासर कायम किया है, और वो मुझे लगता है कि लोग अब इस पे यकीन रखते हैं कि अमेरिका के इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी कुछ साजिश है आलमी, जिसमें अमेरिका भी उसके खिलाफ है और शायद कुछ और लोग भी उसके खिलाफ हैं, और ये सारे मिलके इमरान खान को हटाना चाहते हैं, और ये बात लेके अब लोग महंगाई को भी भूल गए हैं, बाकी बाकी मसले मसाइल को भी भूल गए हैं, अब उनको लगता ही है कि ये इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। तो खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है कि वो लोग जो मुनहरफ होके दूसरी तरफ वोट करने जा रहे थे, उन्होंने अपने घर वालों को अपने घरों से कहीं दूर भेज दिया है, चूंकि लोग उनके घरों के बाहर इकट्ठे होके मुजाहरे करते हैं, वहां पे इधर उनको लोटा का कहते हैं कि जो लोग घूम फिर के कहीं और चले गए, तो वो लोटे लेके बड़ी तादाद में लोगों के घरों में, वो जो मुंतखब अराकीन असेंबली थे पीटीआई के, उनके घरों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, और वो घर वाले भी कहीं रिपोश हो गए हैं, ये लोग कहीं और सेफ लोकेशंस पर अपने आप को रखकर ये कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक वोट देंगे। अच्छा, 3.5-4 साल तो उनका जमीर सोया रहा, अभी जमीर को कहीं से कोई इंजेक्शन लगा है तो शायद वो उठ गया है और वो कहीं और जाके वोट करना चाहते हैं। बहरहाल ये सियासी लोगों की सियासी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस खेल में अगर इमरान खान फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त अगर उनको इस नो कॉन्फिडेंस मूव में शिकस्त भी होती है, तो अल्टीमेटली वो विनर इसलिए रहेंगे कि लोग उनके साथ जो कि महंगाई की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो फिर उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए और एक वेव बननी शुरू हो गई है जो उनकी हमदर्दी में बन रही है। बड़े महत्वपूर्ण एनालिसिस हमारे साथ साझा किया है फारूकी साहब ने कि पाकिस्तान का अंदरूनी हालात यह है कि नेताओं के स्तर पर इमरान को विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन जनता के स्तर पर वो अपने आप को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। अब सवाल यह है कि जनता के स्तर पर समर्थन मिल जाने से क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा रह सकता है? क्या सेना इस बात को पसंद करेगी कि उनके बीच में एक ऐसा नेता रहे जिसको जनता इतना ज़्यादा पसंद करे? तो इस सवाल का उत्तर लेने के लिए मैं मंजू सेठ जी के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान को आपने इतनी नज़दीकी से देखा है, महसूस किया है, जो फारूकी साहब बता रहे हैं कि जनता के स्तर पर इमरान खान के प्रति सद्भाव आ रहा है, लोगों का उनके प्रति जो है रुझान है, ये उनकी ताकत बनेगा या उनके लिए वाकई मुश्किल पैदा करेगा? क्योंकि सेना को ये बर्दाश्त कैसे होगा? जी मंजू जी, शायद आपका म्यूट का बटन दबा हुआ। जी जी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो गई है। जनता जरूर उनको हमदर्दी दिखाएगी, सिंपथी आएगी, बिकॉज वो बता रहे कि मैं आपका हिमायती हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा है कुछ भी, एंड आई एम बीइंग टारगेटेड। तब जब मुझको टारगेट कर रहे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट ही मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनता का सपोर्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो इसको पॉजिटिव उस पर देखेगी। और बहुत कम चांसेस है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कैसे किस तरफ वो डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद कम है, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे लीडर्स तो वहाँ पे आपने देखा पास्ट में भी उनको तो वहाँ से हटाया गया और वेरियस करप्शन ग्राउंड या किसी और ग्राउंड पे नॉर्मली उनको वहाँ से अपनी अपनी गति छोड़नी पड़ती है या भागना पड़ता है।
या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो अभी इट्स बहुत अच्छा है कि लोग उनको पसंद करेंगे, लेकिन उनकी जो मुश्किलें हैं उससे खत्म नहीं होंगी उनको सिंपथाइज करने से, क्योंकि काफी जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में वहाँ की जो सिचुएशन है आम आदमी की, आम लोगों की बहुत ही मुश्किल है, हाई इन्फ्लेशन है, बहुत चीजें, और इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे जाती जा रही है, और वहाँ FATF के ग्रे लिस्ट होने की वजह से उनको इजी एक्सेस टू लोन्स वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, फंडिंग इतनी नहीं मिल रही है, तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, मुश्किलें बढ़ी रही हैं। मतलब मंजू जी का दो बातें कहने की हैं, एक तो ये कि आर्मी के स्तर पर जनता के बीच में लोकप्रिय व्यक्ति का स्वीकार होना इतना आसान तो नहीं है, अतीत ऐसा बताता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान का आर्थिक मोर्चे पर संकट इतना बड़ा है कि ये जो जनता का रुझान है वो बहुत दिनों तक कायम कैसे रहेगा, क्योंकि दिक्कतें तो आगे और बढ़नी ही है। लेकिन मैं रविंद्र जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि इमरान खान की जो ये कोशिशें हैं देश को बेहतर करने के संदर्भ में, कुछ चीज़ें फारूकी साहब ने बताई कि उन्होंने वैक्सीनेशन का ड्राइव करवाया, गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम चलवाया, ये सब तो ठीक है, पर बांटना ही अगर समाधान होता तो हर व्यक्ति बांटने के लिए कमी क्यों रखे? पर बांटेगा तो तब ना जब उसके पल्ले में कुछ होगा। क्या पिछले 3-3.5 साल में इमरान खान ने वाकई ऐसी कोई कोशिश की है जिसमें आर्थिक रूप से वो मजबूत हो पाए? मजबूत होगा तभी तो बांटेगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल आई थिंक नहीं कर पाए मेरे ख्याल से। एट द सेम टाइम देखिए ये जो उनकी स्पीच है, अगेन जो उन्होंने इंडिया की रेफरेंस दी थी और जो हम आवाम की बात कर रहे हैं जी, इमरान खान मेरे को लग रहा है कि अपने को पोजीशन कर रहे हैं एज अ फ्यूचरिस्टिक प्राइम मिनिस्टर एंड होप जी। ओके अपने को ये आवाम के पूरे यू नो ये जो कॉम्पिटिशन ऑफ आइडियाज है सब में अलग जो इनका चलता है मेरे ख्याल से, अब इंडिया का जब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो इंडिया इतना अच्छा कर गया, इंडिपेंडेंट कर गया इत्यादि, और जिसको मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में देयर इज डेफिनेटली एक तबका, चाहे वो इंडिया को हेट करता हो पर वो इंडिया की मतलब ग्रजिंग रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो इमरान खान उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी टैप करना चाह रहे हैं, राइट, कि मैं बदलाव लाऊंगा। और बाय द वे अदरवाइज यू सी इट्स बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान में सेम। ओके देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ होप आल्सो, लाइक सम यंग लीडर्स बिलावल भुट्टो अगर हो या वो मरियम शरीफ हो, कुछ बदलाव तो आना चाहिए ना पाकिस्तान में, अदरवाइज ये ऐसी इसी तो वो बदलाव तो आया हुआ है। रविंद्र जी एक नए नेता आए हैं पिछले कुछ समय से बड़े हावी हुए हैं, उनका नाम है फजलुर रहमान, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं सड़क पर, सबसे बड़ी समस्या तो वो बने। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ तो दाएं बाएं से संकट देते हैं, पर फजलुर रहमान ऐसे हैं जो आमने सामने में इमरान खान को चुनौती दे रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि सेना को बड़ी नाराजगी फजलुर रहमान से निपटने के इमरान खान के तरीके को लेकर भी है, वो उन्हें डीजल कह कह के संबोधित करते हैं, क्या है यह मसला? और वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी शायद बनना चाहते हैं और जितनी सीट्स हैं उनके पास, राइट, वो उसे इमरान खान से यू नो नेगोशिएट कर रहे हैं, बट उसका ऑब्वियसली मच बेटर फारूकी साहब आपको यू नो कंट्रीब्यूट देंगे। मेरा पॉइंट ये है कि दो चीजें देखिए, पाकिस्तान का संकट जो भी हो पॉलिटिकल संकट है ठीक है, पर इसका आउटकम क्या होगा और आउटकम का भारत पे क्या फर्क और असर पड़ता है हमें अपना देखना है, राइट? ये एरिया बहुत ही अनस्टेबल एंड पूरा अफगानिस्तान हम भूल गए हैं बार बार, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों का जब अनस्टेबल हो गया तो हमारे को क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें अपने लिए देखना है ना, तो हमें पाकिस्तान में होप देखनी है कुछ चेंज की। बट यस प्रैक्टिकली तो ये कि मिलिट्री और ISI इतनी टोटली इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान में वो डिविजन कभी नहीं हो पाएगा, और इसका एक रीजन है मेरे विचार से। देखिए जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो पाकिस्तान में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं थे, इंडिया साइड में थे जी। तो बेसिकली उस समय जो मिलिट्री कैंप्स थे जिन जिन शहरों में, उन्हीं के आसपास इनके शहर बने, और वही कैंप जो मिलिट्री था तो वहां पर लोकल फूड या लोकल यू नो उस समय तो यू नो खाने के लिए कमी ये वो, तो पाकिस्तान मिलिट्री की जो एक तरह का स्केलेटन बन गया पाकिस्तान के देश का जी। तो जहां जहां इनके स्टेशन थे वहीं उन्होंने लोकल यू नो लोकल गवर्नमेंट लोकल म्युनिसिपैलिटी खोलनी शुरू करी, कौन खुलवाएगा कैसे करेगा, तो एक ये कारण भी रहा है जिसके चलते पाकिस्तान की मिलिट्री अपने को कंसिडर करती है कि वी आर दी बेस्ट यू नो हम अपने देश के बेस्ट कस्टोडियंस हैं और हम बेस्ट स्केलेटन भी हैं अपने देश का, तो वो इनको पाकिस्तान की सिविक लीडरशिप को कभी मिलिट्री को खुद रिफॉर्म होना है आई वुड से, और इनकी मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर ढंग से काम करना है।
मैं फारूकी साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये फजलुर रहमान क्या समस्या है, क्या हस्ती है, और क्या वाकई इमरान खान की परेशानी का सबब फजलुर रहमान है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके सवालों को बहुत एंजॉय करता हूँ, उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान वैसे तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है जी। फजलुर रहमान साहब एज सच उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन फजलुर रहमान की जो स्ट्रीट पावर है वो तकरीबन सबके लिए एक मसला है। फजलुर रहमान साहब जो है वो बुनियादी तौर पर मदारिस का एक नेटवर्क चलाते हैं, जहाँ पे गरीब का बच्चा, यतीम बच्चे वहां पे वो तालीम भी पाते हैं और वहां पर उनकी एजुकेशन का और खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त होता है। तो मसला ये है कि जब कभी भी वो कॉल देते हैं कि जनाब कारकुन बाहर आ जाएं, तो कारकुन के नाम पे वो मदरसों के सारे बच्चे निकाल के बाहर ले आते हैं और सड़कें भर जाती हैं। और ये जो स्ट्रीट पावर है ये इमरान खान के पास है तो या फजल रहमान के पास है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो इस तरह से सड़क पे नहीं आता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर भी अब उस तरह से सड़क पे नहीं आता। फजल रहमान साहब का इशू ये है कि फजल रहमान साहब 1985 के बाद से ऑलमोस्ट हर दौर में किसी न किसी सूरत में सत्ता में रहे हैं, और उनको सरकारी गाड़ी, बंगले और जो तईशात की दूसरी चीजें हैं वो उनको उनकी लत लग चुकी है, और वो बुनियादी तौर पर उन चीजों को ढूंढते हैं। ये पहली दफा हुआ है 1985 के बाद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि वो किसी भी पोजीशन में नहीं है, और इमरान खान ने सीधे साफ लफ्जों में उनको कहीं भी अकोमोडेट करने से, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिकली अगर आप उनको कहीं अकोमोडेट कर देते, कहीं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगा देते, किसी और कमेटी का चेयरमैन लगा देते, तो शायद वो आपकी इस तरह से इस शिद्दत के साथ मुखालफत ना करते। लेकिन इस हवाले से मुझे लगता है कि इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि वो मौलाना फजल रहमान की हमदर्दी पाने के लिए उनको गवर्नमेंट में कहीं अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। तो फजल रहमान साहब को वो जो सरकारी जो आसाइशें मिलती थी, गाड़ियां वाड़ियां और बंगले बंगले, वो अब नहीं है। तो अब वो, और उनके लिए ये बड़ी तौहीन-आमेज बात है कि कोई आदमी उनको इस तरह से पुकारता है। हालांकि मैं जानता हूं कि उनकी अपनी पार्टी में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उन्होंने बहुत आला ओहदे दे रखे हैं, वो अपने जवानी में बसे रोक कर लूटा करते थे असलाह के जोर पे। तो मैं खैर उसकी तारीख में नहीं जाता कि वो वहां पे क्या क्या होता रहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान पैचअप पर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता वो कि माजी में ये कहीं एक प्लेटफॉर्म पे रहे हैं इकट्ठे, बल्कि मेरा ख्याल है मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों में तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए थे मुशर्रफ के खिलाफ, उसके बाद ये फिर हल्की हल्की ये जो परवेज मुशर्रफ के साथ एक एक करके ये सारे लोग अपनी निगोसिएशन करते रहे और फायदे लेकर कैंप अपना बदलते रहे। तो फजल रहमान इशू नहीं है। देखिए इमरान खान का इशू ये है, एक तो उसके पास वो टीम नहीं थी जो डिलीवर कर पाती। इमरान खान के पास अपने जो नजरियाती लोग थे, मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को इमरान खान आगे नहीं लाए, पता नहीं किसके कहने पे, जब वो इस इलेक्शन के लिए टिकटें बांट रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे इलेक्टेबल्स का इंतखाब किया जो कि इलेक्शन जीत सकते थे, उन्होंने अपने नजरियाती कारकुन को इलेक्शन में उतारने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो 22-24 साल से 25 साल से स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी पार्टी जो है वो कभी ज्यादा सीटें नहीं ले पाई थी। तो इस इलेक्शन में भी एक मीनारे पाकिस्तान लाहौर वाला एक जलसा ऐसा बना जहां से इन्होंने मोमेंटम गेन किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये किया कि अपने जो नजरियाती कारकुन थे उनको कहीं पीछे छोड़ दिया, और ये जो दूसरी पार्टियों से लोग टूट कर आए थे उनको टिकटें दे दी और उनको अपने साथ जोड़ा, और ये अब वही अरकान है जो इधर उधर से आए थे और अब वो वापस मुनारफ होकर कहीं और जाना चाह रहे हैं। तो इमरान खान को ये एक बड़ी सियासी हकीकत या एक बड़ा सियासी सबक तो मिला, लेकिन इसकी कीमत बड़ी भारी होगी कि वो इस वक्त उनकी हुकूमत जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, और बहुत सारे लोग जो है वो ये ख्याल करते हैं कि शायद इससे बेहतर हो सकता है। आपसे मेरी बातचीत थोड़ी अधूरी है फारूकी साहब, मैं वापस लौटता हूँ, क्योंकि आपने जो बात दिलचस्पी की बताई है उसमें मैं रामविलास शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। रामविलास जी, फारूकी साहब बता रहे हैं इमरान खान का तजुर्बा कि चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए इधर उधर से दूसरी पार्टियों के लोगों को जोड़कर लाए, सफलता तो मिल गई पर बाद में सिरदर्दी बन गई, ऐसा फार्मूला आपका भी काफ़ी चल रहा है, राज्यों में भी चल रहा है, देश में भी चल रहा है, इमरान खान को सबक मिल रहा है ये फारूकी साहब बता रहे हैं, उसकी कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ सकती है ऐसा फारूकी साहब बता रहे हैं, कुछ सबक आपको भी मिल रहा है? हिमांशु जी, आपका
ये अंदाज बड़ा प्यारा है, आप कहाँ की बात कहाँ। हमने कोई भानुमती का कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कभी नहीं जोड़ा। हमारा तो एक बहुत पुराना विचारधारा के ऊपर टिका हुआ परिवार है जी। हमारे पास नेता है, हमारे पास नियत साफ है, हमारे पास एक नीति है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां पर छोड़ा था जी, पाकिस्तान का जहां तक जिक्र करते हैं, फारूखी साहब जानते हैं, सचदेवा जी जानते हैं, मंजू बहन जानती है कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे जी। तो वो बस में बैठ के लाहौर गए जी, और वहां एक बहन फिजा थी, कहने लगे अटल जी हम आपकी हर अदा पर फिजा है, यदि जम्मू कश्मीर मेहर में दे दे तो हम आपसे निकाह करना चाहते। हमारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी सरस्वती पुत्र ने कहा था कि अपनी भी 65 साल उम्र हो गई है, 4 कुर्ता 4 धोती लिए घूम रहे हैं, पर मेरा तो हिंदू रीति रिवाज से कन्यादान में यदि तू पाकिस्तान लेके आती हो तो ये निकाह भी मंजूर है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिमांशु जी आज मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, 1947 से पहले ये जमीन एक थी, ये आसमान एक था, ये गगन एक था, ये चमन एक था, और फिर पता नहीं परिस्थितियों के बस जहन एक है, रहना सहना एक है, बोली चाली एक है। तो इमरान खान का जो पुराना मोहब्बत है हिंदुस्तान के साथ वो जगी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी ऐसा हमारा चमत्कारी नेता है, इनसे तो लोहा भी यदि घिस ले तो वो भी पारस हो जाता है जी, सोना हो जाता है जी। ये राहुल गांधी ने गलती कर दी, वो गले तो पड़े थे परंतु फिर वो प्रशांत कुमार के चक्कर में पड़ गए जी। तो हिमांशु जी ये तो झूठ लगे ये वाला मामला है। रामविलास जी अभी उससे सबक लेने के लिए तैयार नहीं है जो हमें फारूकी साहब बता रहे हैं कि इमरान खान को क्या सबक मिल रहा है। ये मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। रविंद्र जी आपसे जानना ये चाहता हूँ कि वर्तमान क्राइसिस में जिस पे आपने पहलू दिया कि एक नई शुरुआत हो रही है, कि हम अच्छे की तरफ देखें, अभी तक हम दूसरे की खामी को देखते थे, तो क्या इस सिलसिले को भारत की तरफ से जवाब में कुछ जाना चाहिए? इमरान खान का ये जवाब कल का भाषण आया, लेकिन अभी तक भारत की कोई प्रतिक्रिया इसके संदर्भ में नहीं आई। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया जानी चाहिए इसके संदर्भ में? हम तमाम मसलों में प्रतिक्रिया देते हैं, जब जब हमारे पे प्रहार होता है हम खुलकर उसकी खिलाफत में बोलते हैं, लेकिन आज जब हमारी विदेश नीति की सराहना की, क्या इमरान खान की प्रशंसा में दो शब्द या उनके इस नजरिए को लेकर कोई हमारी प्रतिक्रिया, क्या आप नहीं समझते कि जरूरत थी हमारी? ग्रेट क्वेश्चन। और इससे सभी ने कहा था ना ये शायद कुछ ओपनिंग निकल सकती है, तो आपने एक ओपनिंग आइडेंटिफाई कर दी है राइट, एक जो भी छोटी है बड़ी, बट डेफिनेटली यस, भारत डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट, थैंक यू। आज की दुनिया में ट्विटर का जमाना है जी। एक अच्छा सा ट्वीट लिखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अप्रिशिएट किया। हम तो हमेशा यही चाहते हैं, चलिए लिव एंड लेट लिव, और आगे अपने रीजन की प्रॉस्पेरिटी और जो आपकी अंदर सरकार आ रही है उसको बेस्ट विशेष देते हैं कि इसी रास्ते चले, और हम आपको मदद करने को भी तैयार हैं। लेसन्स लर्न भाई, हम जहां पहुंचे हैं पिछले 75 सालों में हमने भी काफी चीज जूझी है, जो कि हम और आप एक साथ ही पैदा हुए एक तरह से राइट, तो वी आर हैप्पी कि हम कंट्रीब्यूट करें अपने लेसन्स जो हमने सीखा है, यू नो, पॉवर्टी को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, या साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, पीस ऑफ माइंड को लेकर के, ताकि आपका देश भी अच्छे बढ़े जी। तो हमें डेफिनेटली ये इसको एक ट्वीट का जमाना है, 3 ट्वीट हो जाए, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, MEA के स्पोक्सपर्सन की तरफ से, दैट शुड बी, ऐसा कुछ होना चाहिए। रविंद्र जी सोचते हैं कि वाकई इस प्रकार का हमारा जेस्चर होना चाहिए, हमारा ये बड़प्पन दिखना चाहिए, क्या हम ऐसा जाहिर करते हैं? मंजू जी अड़चन क्या है? 24 घंटे हो गए, हो सकता है कुछ भाजपा के नेता इस बात के लिए निकले, जैसे रामविलास जी हमें बता रहे, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी है ही ऐसे, लोगों को तारीफ करनी ही पड़ती है। तो रामविलास जी ने कर दी, पर जिसने एक्चुअल में तारीफ की, जिसने भारत की नीति को सार्वजनिक तौर पर हजारों की भीड़ में सराहा, क्या उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करने की जरूरत नहीं है? हम अपनी विदेश नीति के संदर्भ में क्या इस नजरिए को सार्वजनिक नहीं कर सकते?
सार्वजनिक हम नॉर्मली अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लग नहीं रहा कि इट वाज अ डायरेक्ट बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट लगा मुझे, ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं था जी। वो अपने अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं उनकी तरफ ज्यादा इशारा कर रहे थे और अपनी तरफ भी कि मैं ये करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया जी। तो इन्होंने और हर जैसे रविंदर जी कह रहे हैं यस वी शुड हैव ट्वीट का जमाना है, कोई किसी को कर देना चाहिए जी। लेकिन एज अ पॉलिसी मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग इतनी इजीली ये चीजें चेंज करते हैं, बिकॉज हमारे जो रिलेशनशिप में जो खटास आ गई है जी। और जो आगे निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू नो द टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज और जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी फुल ट्रस्ट एंड बॉन्डहोमी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, मंजू जी भी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा दोनों देशों के बीच में सद्भाव बने तो उससे बेहतर और हो क्या सकता है। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए शहजाद साहब आपसे थोड़ा और विस्तार से बातचीत करना चाहता हूं। जब जब पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार आती है उसके साथ साथ दुनिया के स्तर पर एक बार फिर सैन्य हुकूमत की आशंका पाकिस्तान के संदर्भ में बढ़ जाती है। ऐसे अनुभव बहुत कम है कि एक हुकूमत आई, उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर चुनाव हुआ, जनता ने अपने आप फैसला लिया और हुआ। ऐसा संक्रमण का दौर अभी फिर से है, कितना डरा रहा है ये संक्रमण आपको या पाकिस्तान की आवाम को कि कहीं एक बार फिर राजनीतिक दलों की ये महत्वाकांक्षाओं का टकराव उन्हें सैन्य हुकूमत के रास्ते पर तो नहीं डाल देगा। अच्छा, मैं आपको इसके सवाल का जवाब देने से पहले मैं राम जी की बात करना चाहूंगा, भाजपा की जी, कि वो मुझे लगता ये है कि ये कहीं अलफ लैला इन्होंने बचपन में ज्यादा पढ़ी और वो अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं उनको कहां से क्या कौन मिल गया, किसने क्या कहा जी, तो इस तरह की कहानी कहीं ना कहीं से वो ले आए। देखिए इमरान खान की जो बात है ना, इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली वो पहला कदम कभी इंडिया की तरफ से आया नहीं है। ये मुझे पूरी दयानतदारी से ये बात आपको बतानी चाहिए और मुझे लगता ये है कि यहाँ पे हम बड़े अच्छे माहौल में ये बात कर रहे हैं। इस पे वहां बात होनी चाहिए कि जब इमरान खान राजी थे बातचीत के जरिए मिसाइल को हल करने के लिए तो भारत की तरफ से तामन वो नहीं मिला, क्योंकि आपको याद होगा कि आपके इलेक्शन से पहले इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि अगर मोदी इलेक्शन जीत के आती हैं तो शायद बरेसगीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। रही बात आपकी कि जो अदम इस्तेहकाम है या पॉलिटिकल सिस्टम में अगर ये डील, देखिए ये खतरा है तो सही लेकिन शायद उतना नहीं है जितना माजी में हुआ करता था कि सिस्टम डिरेल हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टेक होल्डर्स को एहसास है कि अगर इस मामले में हमने कोई जरूरत से ज्यादा ये खुदा ना खास्ता खून खराबा अगर हो जाता है या लड़ाई मार कुटाई तक नौबत चली जाती है तो आप ऑब्वियसली खुद इन्वाइट कर रहे हैं उन लोगों को कि वो आके इस सिस्टम को समेट दें और वो कहें कि हाँ आप ठीक है, आप डेमोक्रेसी के काबल नहीं है, आप जाएं अब अपने अपने घरों को और दोबारा 10 साल, चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जब भी कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रूल आता है तो 10 साल से कम के लिए तो नहीं आता। अब इसको आप जिस तरह से मर्जी पेंट कीजिए लेकिन ये हमारी हकीकत है और हम इसको ना छुपा सकते हैं ना मतलब है उससे हमें हमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन जो बात, हेलो जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आ रही है। अच्छा, अब बात ये है कि ये खतरा मौजूद जरूर है लेकिन मुझे लगता ये है कि इस मामले पे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी, जो कि इसका एहसास तमाम स्टेक होल्डर्स को है कि अगर हमने चीजों को ज्यादा तूल दिया और मामला खराब हो गया तो फिर चीजें सबके हाथ से निकल जाएंगी और फिर मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं, फिर सबका नुकसान हो जाएगा। इतना बड़प्पन, इतनी समझदारी, इतने बड़प्पन की उम्मीद आपको किससे है? बिलावल भुट्टो जरदारी से है, नवाज शरीफ या मरियम शरीफ से है, या फजलुर रहमान से है? आप इतने बड़प्पन की उम्मीद किनसे कर रहे हैं फारूकी साहब? मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बर्मला इस बात का अक्सर एतराफ किया करता हूं कि उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ बहुत ज्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनमें ये सूझबूझ है। अनफॉर्चुनेटली कल परसों उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जो मैं शायद उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन अदरवाइज वहां पे
जो है वो सेंस प्रवेल करती है, उनको है कि उनके पास इस वक्त सिंध की गवर्नमेंट मौजूद है और जो हमारा इवाने बाला है सेनेट जिसको हम बोलते हैं वहां पे भी उनके पास एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा मौजूद है, सो सिस्टम में उनका स्टेक मौजूद है। मसला उन दोनों पार्टियों का है, फजलुर रहमान का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिनका इस सिस्टम में स्टेक कोई नहीं है। वो पंजाबी में हमारे एक कहावत है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और वो ये वो जो बच्चे जो जल्दी आउट हो जाता है ना तो फिर विकेट उखाड़ के फेंक देता है और बैट लेके भाग जाता है या बॉल लेके भाग जाता है। तो ये सिचुएशन ये है कि जिन लोगों का इस सिस्टम में स्टेक नहीं है वो किसी भी लिमिट को जाने को तैयार है, लेकिन अब मुझे देखना यह है कि शायद कोई शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है उनके अंदर ये सेंस मौजूद है, शाहिद खाकान अब्बासी जो मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आजम बने थे उनके अंदर भी ये एहसास मौजूद है, मुझे लगता है कि वहां पे भी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से मुझे कतन कोई उम्मीद है। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे आए तो दो तीन बातें निकल कर आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बतौर राजनेता इमरान खान पाकिस्तान की जनता की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं, ऐसा फारूकी साहब हमको एहसास करा रहे हैं। राजनेताओं के स्तर पर भले उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा हो लेकिन अपने फैसलों के चलते जनता के स्तर पर उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसलिए आने वाले समय को लेकर उनसे उम्मीदें रखी जा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के हालात के चलते ही सही भारत की सराहना में जो शब्द इमरान खान ने बोले हैं, अगर ये नज़रिया दोनों देशों में विकसित हो जाए और दोनों देश एक दूसरे की तरक्की के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी बने बजाय इसके कि दोनों एक दूसरे की बर्बादी के संदर्भ में अपने अरमान सजा के बैठे, तो हमारे हालात काफ़ी कुछ बेहतर हो सकते हैं। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर राजनीति में सब कुछ संभव है, तो इसलिए पाकिस्तान के संदर्भ में जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर रहने वाली है कि वहाँ के तमाम विपक्षी दल क्या इमरान को हटाते हटाते लोकतंत्र को ही हटा बैठेंगे या अपनी कोशिशों को लोकतंत्र के स्तर पर खतरा नहीं बनने देंगे, जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस प्रकार की चुनौतियां हैं ये जीवन का हिस्सा है, हर व्यक्ति के हिस्से में आती हैं, तो इमरान खान भी अपवाद नहीं है। हमारे यहाँ के महान कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ हमें दी, उन्हीं को हम आपके बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा था कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज राजा बन रहा है रंग कल होता वही, जो आज राजा बन रहा है रंग कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। तो कुल मिला के जीवन में धूप छांव आती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, इंसान का काम है जो भी परिस्थिति आए उसका सामना करना। तो जानने में दिलचस्पी रहेगी कि इमरान खान अपने सामने आई चुनौतियों का मुकाबला किस तरीके से करते हैं और भारत के संदर्भ में उन्होंने जो सराहना के शब्द बोले हैं, क्या भारत आने वाले समय में इन सराहना के शब्दों के संदर्भ में कुछ वास्तविक तौर पर प्रतिक्रिया देगा, दिलचस्पी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।